नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि चालू हलवा कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, चालू हलवे का मतलब ये है कि फटाफट बनना। इसका मतलब ये नहीं कि इसका स्वाद खराब होगा, बिल्कुल वैसे ही स्वाद आएगा। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सामग्री लगेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सामग्री लगेगी। 200 ग्राम हमें सूजी चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हमें 200 ग्राम सूजी चाहिए, शक्कर 100 ग्राम। शक्कर आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, और कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें पानी चाहिए, करीब हमें आधा लीटर चाहिए, तो 2 ग्लास पानी मैं डालूंगा। और इसके अलावा हमें चाहिए घी, तो हमें आधा चम्मच से 1 चम्मच तक घी चाहिए। अगर घी ना हो तो आप तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी रहेगा तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, कढ़ाई मैंने गरम कर दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब बहुत जल्दी बनता है दोस्तों हलवा। और चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं घी। तो करीब देख लीजिए, 1 से आधा चम्मच तक डालते हैं इसको। तो कढ़ाई मैंने पहले से ही गरम करके रखी है ताकि हमारा समय बच जाए। फ्लेम आपको लो रखना है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा हम इसे अब जो हम इसे मीडियम कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी सूजी डाल देंगे और इसको भूनेंगे। इसमें 5 से 7 मिनट तक मीडियम से लो फ्लेम में आप इसे भूने। मैं भी भून रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर आप थोड़ा सा मतलब अगर जैसे कि ये, तो मैं थोड़ा व्हाइट कलर की जो है हलवा चाहूँगा। अगर आप थोड़ा डार्क कलर का अगर खाना चाहते हैं हलवा, तो इसको थोड़ा ज़्यादा भून लें। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइए। और कुछ बिगड़ना भी नहीं है इसका। पानी भी इसमें आपको मैंने बताया है कि जो है करीब 500 ml के आसपास पानी चाहिए। अगर आप हलवा थोड़ा पतला चाहते हैं तो जो है पानी बढ़ा सकते हैं, और अगर आप थोड़ा मोटा हलवा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी जो है अपने हिसाब से कम कर लें। आप इसमें चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो ये मैं जो है आपको फटाफट जो है बिल्कुल जो है जल्दी बनने वाला हलवा बता रहा हूँ किस स्टाइल में बनाना है। तो दोस्तों, जैसे कि ये मैं इसे भून चुका हूँ, अब इसमें हम गुनगुना पानी डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, गुनगुना हल्का गर्म पानी डालेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था आधा लीटर के आसपास। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ सीधा पानी। अब थोड़ा सा मैं मीडियम फ्लेम कर लूंगा और इसमें मैं शक्कर डाल दूंगा। दोस्तों, इसमें मैंने आधा लीटर गुनगुना पानी डाल दिया है और बस इसको फ्लेम आप जरा मीडियम से थोड़ी तेज कर लें और इसको लगातार हिलाते रहें। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हलवा बुदबुदा रहा है बिल्कुल, तो बिल्कुल हो गया। अब ये जो साइड में पानी दिख रहा है, इसको लगातार हिलाते रहे ताकि ये जो पानी जो है अपने आप इसमें मिल जाएगा और सूजी हमारी घुल जाएगी। और देखिए, कुछ लोग जरा गाढ़ा हलवा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग पतला हलवा खाना पसंद करते हैं। प्रसाद के लिए लोग थोड़ा सा मोटा हलवा बनाते हैं,
तो इसमें अगर आप मोटा बनाना चाहते हैं तो इसमें पानी ना मिक्स करें, अगर आप पतला खाना चाहते हैं थोड़ा और पानी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन गुनगुना पानी। दोस्तों मेरे हिसाब से ये हलवा तैयार है। देखिए अब मैं इसको जो है फ्लेम को बंद कर दूंगा और ढक के रख दूंगा रेस्ट करने के लिए। दोस्तों हमारा हलवा तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। देखिए आप अगर और नरम करना चाहें तो नरम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो मुझे कुछ इसी तरह का पसंद है, बढ़िया मस्त खाने में मज़ेदार प्रसाद का प्रसाद। कोई गेस्ट आ जाए तो उसे भी खिला सकते हैं। तो इस तरह से बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।